हाँ जी बाबा, उस सीढ़ी के चित्र में जब नीचे दिखाया ना ब्रह्मा बाबा और सरस्वती, और जब उठा ब्रह्मा बाबा उनके साथ दो ब्राह्मण दिखाए, दो इस साइड और दो इस साइड, और झाड़ के चित्र में नीचे यहाँ दिखाया वहां पे चार एक साइड है और चार एक साइड है, उसका सीढ़ी के चित्र में जो दिखाया है वो किस टाइम की बात है, और झाड़ चित्र में जो नीचे दिखाया है वो किस टाइम की बात है? टाइम का कुछ फर्क है या नहीं है? फर्क है तो क्या फर्क है? वहां सीढ़ी में लिखा हुआ है संगम युग 40 वर्ष, लिखा है कि नहीं? और यहां यहाँ चार जने इस तरफ हैं, चार जने उस तरफ हैं, चार इस तरफ बैठे हुए हैं, चार उस तरफ बैठे हुए हैं, और बीच में दो लोप हुई जड़े हैं, टोटल 10 जड़े हैं ना? यहाँ तो कौन, यहाँ कौन से समय की बात दिखाई है? यहाँ संक्षेत्र तक की बात बताइए, और वहां वहां तो पूरे झाड़ की बात है, पूरे संगम युग की बात है। पूरे संगम युग में जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो संक्षेत्र तक निकली क्या? हाँ, इसलिए अंतर है। बाबा परशुराम ने सिर में बाजू में इतनी माला क्यों डाली है? परशुराम ने, किसने? परशुराम जो है सिर में और बाजू में इतनी माला डाली है, ये इसका क्या है? इतनी मालाएं? माला काफी गले में भी डाली है, बाजू में भी। हाँ, वो क्या है? परशुराम अवतार कौन से युग का है? जो अवतार उन्होंने दिखाए हैं भक्ति मार्ग में वो है कौन से युग का है? राम जी के साथ त्रेता युग। त्रेता युग का थोड़े ही है, राम अवतार के साथ उनका परशुराम। वो तो हर युग में दिखाया है उनको, लेकिन है कितने कला का? चार कला का अवतार है। तो चार कलाएं कौन सी युग में होती है? कलयुग में होती है। तो कलयुग में एक धर्म के लोग होते हैं, दो धर्म के होते हैं, या अनेक धर्मों के लोग होते हैं? अनेक धर्मों के लोग होते हैं, अनेक अनेक मालाएं होती हैं। इसलिए उन्होंने तो बहुतों का विनाश किया, सब क्षत्रियों का विनाश कर दिया। हेलो, हाँ बाबा, पुराण में बताया ना लैला मजनू की कहानी बताई है पुराण में, तो उसमें जब मजनू को कोड़े पड़ते थे तो लैला को दर्द होती थी। हाँ, लैला को लगती था उसका यहाँ संगम युग में क्या छुट्टी मुझे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, घाव मुझे लगते हैं धुनाई पिटाई के, और दर्द रघुवीर को होता है। वही बात है, दिल से दिल को राहत होती है। लैला और मजनू कोई अलग अलग नहीं है, जैसे अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शंकर पार्वती एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है, उनका दिल ही एक ही है, इसलिए ऐसा है। लैला मजनू शीरी फरहाद, ये जो कथा कहानियां हैं विदेशी धर्म ग्रंथों में, वो संगम युग की यादगारें हैं। और बाबा जी,
जैसे बताया कि मनुष्य की आत्मा जो है वो मनुष्य में ही जन्म लेगी, स्त्री में आएगी या पुरुष में आएगी। तो जैसे कोई मनुष्य किसी जाने अनजाने में किसी पशु को मारता है या उसके साथ उसकी आत्मा को दुखी करता है किसी तरीके से, है? तो उसका हिसाब वो कैसे चुकू? माने पशु जो है वो मनुष्य को नहीं मारता, खाता पीता है, चीरता फाड़ता नहीं है जी? हाँ। भर भर हो गया हिसाब किताब पूरा है, है? हाँ। बाबा देवता इतनी मेहनत करके ऊपर बैठते हैं फिर नीचे क्यों आ जाते हैं? सब एक जैसी मेहनत करते हैं तो करके जाते हैं फिर आ जाते हैं। सब देवताएं एक जैसी मेहनत करते हैं या नंबरवार मेहनत करते हैं? नंबरवार मेहनत करते हैं तो नंबरवार नीचे आते हैं। नीचे आना भी जरूरी है, जो नीचे नहीं जाएगा वो ऊपर कैसे चढ़ेगा? जिसमें आत्मा में जितना नीचे जाने की शक्ति होगी उतना ही ऊपर जाने की भी शक्ति होगी। और बाबा आत्मा उन्हें दंड कब मिलता है? कब मिलता है? यहाँ का यही भी मिलता है, अभी मिलता है या यहाँ का? यह अभी संगम युग में तो सब हिसाब किताब यही पूरा होना है। अभी मिलेगा, अभी का अभी इसी जन्म में इसका नाम ही है कलयुग। आज करो कल उसका फल भोगो। और अभी तो ऐसा टाइम मिले आने वाला है कि अभी अभी पाप कर्म किया और अभी अब उसका दंड भोगना पड़े। 63 जन्मों में ऐसा होता है कि जिस तीव्र गति से पाप किया जाता है उसी तीव्र गति से दंड मिल जाता है। अगर कोई धीमी गति से पाप करेगा तो उसका धीमा धीमे धीमा धीमा घड़ा भरता रहेगा। धीमे धीमे भरते भरते जब घड़ा पूरा हो जाएगा तो फिर उसे दंड मिलेगा। कोई ऐसे पापी होते हैं कि महान जघन्य पाप करते हैं एक ही जन्म में, तो उनको एक ही जन्म में फल मिल जाता है। और फिर ये पाप तो हम डबल भोग रहे हैं, 63 जन्म के भी अब के भी। हाँ अब के हैं और 63 जन्म के भी हैं, लेकिन ज्यादा कौन से हैं? अभी के किए हुए पाप ज्यादा हैं या 63 जन्म के किए हुए पाप ज्यादा हैं? क्यों? क्योंकि अभी 100 गुना हिसाब किताब बनता है। 63 जन्मों में 100 गुना हिसाब किताब नहीं बनता था, अभी अभी 100 गुना हिसाब किताब बनता है। 100 गुना मिलेगा है, गांधी भी 100 गुना मिलेगी। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानियों के लिए ही तो है ये नियम, अज्ञानियों के लिए नियम थोड़े ही है। और बाबा उर्वशी अप्सरा थी, अर्जुन को साथ क्यों दिया था उसने? है अप्सरा ने उसको साथ क्यों दिया था? अप्सरा थी जो अप्सरा है वो स्वर्ग की अप्सरा थी या मनुष्य से पैदा हुई थी? उसका जन्म कहां से हुआ था? किसी तपस्या करने वाले मनुष्य से उसका जन्म हुआ था या स्वर्ग से आई थी? है हाँ, तपस्वी से उसका जन्म हुआ था। तो जो मनुष्य से पैदा होगा उसकी बुद्धि कैसी होगी? मानवीय बुद्धि होगी या स्वर्ग के देवताओं जैसी बुद्धि होगी? है और बाबा आत्मा तो बरकुट्टी के बीच में बैठती है, तो जब एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो पीस पीस हो जाते हैं, तो उसके बीच में आत्मा तो निकल गई तो शरीर क्यों फटता रहता है? उंगली कट जाती है तो फड़फड़ाती है कि नहीं कुछ देर? है आत्मा तो यहाँ बैठी है, उंगली कट के वहां गिर गई जाके फड़फड़ाती क्यों है? छिपकली है, छिपकली की पूंछ कट जाती है, कट करके नीचे गिरती है और फड़फड़ाती रहती है, क्यों फड़फड़ाती है? सांप का भी ऐसे ही होता है, क्यों होता है ऐसे?
भगवान फिर उसका आत्मा के साथ से लिंक निकल गया। आत्मा की शक्ति चली जाती है, आत्मा की शक्ति जो वहाँ खींच करके गई है वो थोड़ी देर फड़फड़ाएगी, शक्ति खींच करके फिर आत्मा में आ जाती है। और बाबा द्रौपदी के पांच पति बताते हैं, द्रौपदी के पांच पति बताते हैं, हाँ क्या रखते हैं सर? ब्रह्मा कुमारियां हैं वही नंबर वार द्रौपदियां हैं, अभी की बात है या कोई द्वापर युग की बात है? अभी की बात है। तो जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं उनकी रक्षा करने वाले कोई हैं या ऐसे ही उनको रख दिया गया है? जो रक्षा करने वाले हैं वो एक हैं या पांच भी हो सकते हैं? तो कोई द्रौपदी हो ही होगी जिसकी रक्षा करने का कार्य पांच ने किया है टाइम टू टाइम, इसलिए उनको दिखा दिया है कि पांच पति थे। बाकी भारतीय नारी को कोई पांच पति थोड़े ही होते हैं एक टाइम पर। हाँ, और बाबा फिर उसकी मदद तो जब दुशासन ने उसकी लज्जा को छीनने की कोशिश की तो फिर तो पांचों पतियों ने रक्षा नहीं की थी उनकी? अभी तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे कोई भी संबंधी काम नहीं आवेंगे, कौन काम आवेगा? और वो एक द्रौपदी की बात नहीं है, तुम सब द्रौपदियां हो, सबकी लज्जा चीरहरण अभी हो रहे हैं, कोई का गुप्त है कोई का प्रत्यक्ष है, आगे चल के कोई भी द्रौपदी ऐसी नहीं रहेगी जिसका चीरहरण न हो और भगवान उनकी सहायता न करे। संकल्पों का जो युद्ध चलता है वो कैसे समाप्त होता है? संकल्पों का जो युद्ध चलता है अभ्यास है न तो कौन ते है, अभ्यास करो आत्मिक स्थिति का, आत्मिक एकाग्रता का, आत्मा को बिंदु में टिका दो, संकल्प अपने आप बंद हो जाएंगे। बार बार संकल्प आए, बार बार बिंदु आत्मा में टिक जाओ, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे। 63 जन्म का अभ्यास पड़ा हुआ है संकल्प विकल्प करने का, अच्छे बुरे कर्म करने का, तो रील घूमेगी या नहीं घूमेगी? घूमेगी। दुनिया से वैराग लाते जाएंगे तो बुद्धि अपने आप एकाग्र होती रहेगी। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब भस्म होने वाला है, क्या सब भस्म हो जाएगा, कोई भी हमारा काम नहीं आवेगा, न संबंधी काम आवेंगे, न कोई पदार्थ काम आवेगा, न कोई हथियार काम आवेगा। तो जैसे प्रॉपर्टी है बाबा, तो कोई हथियार है तो उसको फिर नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? लेने की कोशिश, सेव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? अच्छा, सेव करने की कोशिश नहीं करो तुम्हारा भाग्य नहीं बनेगा? सेव भी करना है और संकल्प भी ना चले? अगर सेव करना है तो उसके लिए इस तरह सेव करो कि हमें वो कार्य ईश्वरीय कार्य के ईश्वर को दे दिया, जो चीज ईश्वर को दे दी उसमें तुम्हें संकल्प चलाने की क्या जरूरत है? कर्म करो, बुद्धियोग लगाने की जरूरत है? बुद्धियोग मत लगाओ, अच्छा उसका फल हो बुरा उसका फल हो, संपत्ति आए हमारे पास या चली जाए, हमें तो लड़ाई लड़नी है सत्य के लिए। हमने यज्ञ में दे दिया तो वो यज्ञ का हो गया, भगवान का हो गया या हमारा है? यज्ञ का हो गया, भगवान का हो गया, हमें तो उसकी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है कि लड़ाई लड़ना छोड़ दें? हम अपने लिए कर रहे हैं या भगवान के लिए यज्ञ के लिए कर रहे हैं? यज्ञ के लिए कर रहे हैं तो हम संकल्प क्यों चलाएं? चला जाए तो चला जाए, कल जाता हो आज चला जाए, हमारी तो कोई गलती नहीं है उसकी सुरक्षा करने में, हमारी कोई, हमने अंतिम श्वास तक उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास किया या नहीं किया? हमने प्रयास किया, बस हमारी हमारी ड्यूटी खत्म, और दिलो जान से प्रयास किया, बाकी संकल्प क्यों चलाएं? चीज हमारी है ही नहीं, भगवान की चीज, भगवान को अर्पण कर दी,
भगवान ने हमको ट्रस्टी बना दिया कि तुम इसको संभालो, तो जिस चीज का हमें ट्रस्टी बना दिया उसमें हमें ममत्व तो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। वो हमारा अपना है या भगवान के सभी बच्चों का है? सभी बच्चों का है। और बाबा धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो झूठ नहीं बोलते थे, तो गुरु के आगे झूठ क्यों बोला? है गुरु के आगे क्यों झूठ बोला? कौन से गुरु? युधिष्ठिर थे ना धर्मराज। कौन से गुरु के आगे झूठ बोला? जो उनके अपने गुरु थे, है? जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उसके अपने क्या किया? गुरु थे उनके अपने जो अश्वत्थामा मर गया। हाँ उन्होंने कहा झूठ बोला, हाथी मर गया, अश्वत्थामा हाथी था, उन्होंने कहा झूठ बोला, मर गया ना। हाँ अश्वत्थामा हाथी मर गया, जिस हाथी का नाम अश्वत्थामा था वो मर गया, झूठ कहाँ बोला? हाथी मर चुका था। हाँ हाथी मर गया, उसका नाम उसका अश्वत्थामा नाम हाथी था। और बाबू मुरली में आया कि शिव बाबा से प्रजापिता को वर्षा मिलता है, फिर प्रजापिता से जगदम्बा को वर्षा मिलता है, जगदम्बा फिर ये वर्षा सबको देती है। तुम सब बच्चों को वर्षा मिलता है? हाँ तो जगदम्बा फिर सबको देती है। ठीक है, अब पूछना क्या है? जगदम्बा से सबको वर्षा मिलेगा? जगदम्बा से सबको वर्षा नहीं मिलेगा। जब तक विनाश होगा तब तक ब्राह्मणों की दुनिया में पालना का काम कौन करेगी? हैं? जगदम्बा ही पालना करेगी, बाप तो गुप्त हो जाएगा। मुरलियों में भी बोला हुआ है, क्या बोला है? बल ये ब्रह्मा चला जावे परंतु मम्मा अंत तक तुम बच्चों की पालना करेगी। तो पालना करेगी तो वर्षा किससे मिलेगा? जगदम्बा से ही वर्षा मिलेगा। और ये नौ देवियों का बाबा गायन होता है ना, नौ देवियां हैं, कौन कौन सी है? कौन कौन सी हैं? वो तो शास्त्रों में जो नाम दिए हुए हैं, सीता सत्या सरस्वती भवनी भयनाशिनी, सारे नाम पढ़ लो। अभी संगम पर। हाँ हाँ संगम पर ही वही नाम है, है? कोई मेन तो होंगी ना, है? कोई तो होंगी ना अभी यज्ञ माने पार्ट खोल दें। पार्ट ये पार्ट बाबा तो खोलते नहीं, आप भी हो सकते हैं। और हाँ जी बाबा मुरली में पॉइंट आया कि भोग और ये ध्यान वगैरह ना योग है, भोग लगाना ना योग है और ना योग नहीं लगाओ, याद करो। हाँ ध्यान दीदार से कोई फायदा नहीं, ना ही ज्ञान है, ना ही ज्ञान है ये, ना ही योग है। क्या नहीं है ये जो भोग लगाना? हाँ ठीक है, तो दूसरी जगह कहा है कि फिर भोग लगाना चाहिए, भोग लगा के खिलाने वाले को खिला के खाना है, तो दोनों बातें वो खिलाने वाले को खिला के खाना है। हाँ तो क्या इसका मतलब? भोग लगा के खाना भक्ति में, तो बुद्धि में याद नहीं कर सकते? मुरली की ही बातें हैं, बुद्धि में याद नहीं कर सकते, खाना खाते समय याद नहीं कर सकते, वो ही भोग लगाना है। और संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। लौकिक सुहाग का त्याग, आत्मा आत्मा भाई भाई बन गए, पक्का पक्का समझ लिया कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो लौकिक जीवन में जो पति पत्नी है वो भाई बहन हो गए ना, तो सुख का त्याग किया या नहीं किया? तो ये सद्भाग्य की निशानी नहीं है? जब भाई भाई हैं तो एक दूसरे के ऊपर बंधन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, लेकिन डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? डाल रहे हैं। अगर बंधन डाल रहे हैं
इसका मतलब अपने भाग्य को ठोकर मार रहे हैं। बाबा तो बता दिया है, सदभाग्य की निशानी है। हाँ? बाबा ने मुरली में बोला आगे चल करके होल सेल मौत होगी, तो बाबा उस होल सेल मौत में अष्टदेव होंगे या कि नहीं होंगे? इनके पीछे पड़ गए याद दोगे, ये मरेंगे कि नहीं मरेंगे? होल सेल का मतलब इकट्ठे इकट्ठे मर जाएं। क्या एक रिटेल शॉप होती है, रिटेल चीजें एक एक दो दो करके बेची जाती हैं। एक होल सेल की दुकान होती है, उसमें थोक का थोक बड़े बड़े बंडल उठा के ट्रक भर भर के बेच देते हैं, वो होल सेल कहा जाता है। तो ऐसे ही होल सेल मौत होगी, इसका मतलब ये है कि ढेर के ढेर लोग मर पड़ेंगे। कोई कॉलोनी है, बम गिर गया, पांच पांच मार की, बीस बीस मार की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसमें ढेर के ढेर लोग रह पड़े हैं, बम गिर गया, पूरी कॉलोनी खलास हो गई, तो उसे क्या कहेंगे? होलसेल में मौत हो गई। रोज मरते रहते हैं एक एक दो दो चार चार मोहल्ले मोहल्ले में, वो क्या कहेंगे? वो रिटेल मौत है। अष्टदेवों की होलसेल मौत होगी या नहीं? अष्टदेव तो उस लिस्ट में आएंगे नहीं। ये होलसेल मौत तो उनकी होगी जो प्रकृति के आपदाओं से शरीर छोड़ेंगे। प्राकृतिक आपदाओं का असर प्रकृति जीत के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये आठ जो हैं वो तो प्रकृति जीत हैं, प्रकृति के पांच तत्वों के ऊपर जीत पाने वाले हैं, उनके ऊपर प्रकृति का हाँ प्रकोप नहीं हो पाएगा, प्रकोप उनके ऊपर प्रकृति नहीं कर सकेगी। तो उनका होलसेल मौत के लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आएगा। जैसे बाबा बोला है अकाल मौत नहीं होगी है? जैसे बोला ना ब्राह्मण बच्चों की अकाल मौत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हो नहीं रही है? अरे नहीं बोला ना ज्ञान में चलने वाले की अकाल मौत नहीं होगी। हो नहीं रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर एडवांस में चलने वालों की अकाल मौत हो रही है कि नहीं हो रही है? अकाल मौत उनकी होगी जो हैं बताया है। अकाल मौत किन की होगी? भक्ति मार्ग के अगर कोई संस्कार रह जावेंगे तो उनको शरीर अकाल मौत में शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति मार्ग आता ही है माया से और प्रकृति से। ये प्रकृति और माया दोनों मिलकर ही रावण का रूप बनती है। रावण से माया आती है, माया रावण से भक्ति आती है। तो भक्ति के चंबे में शिकंजे में अगर फंस गए तो अकाल मौत भी होगी। और जितनों की अकाल मौत होती है वो सब दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, सूर्यवंशी बनने वाले नहीं है। चंद्रवंशियों की भी अकाल मौत होती है। हो रही है कि नहीं? उनकी भी हो रही है, क्योंकि वो सब माया के चंबे में फंसने वाले, उनमें ज्ञान नहीं है। जिनके अंदर ज्ञान होता है वो माया के चंबे से बच सकते हैं, उनको माया की पहचान है। बाबा जो किसी को जबरदस्ती भक्ति करवाते हैं, जो दूसरे से भक्ति करवाते हैं है, तो जिसका करने का मन ना हो भक्ति है, उसकी क्या छुट्टी होगी? मन ना हो तो कौन रोकेगा? दिखावे के लिए भक्ति है। हाँ, अंदर से ज्ञान, अंदर इनका कहने का मतलब अंदर से ज्ञान उठाएंगे, बाहर से दिखावा बात करेंगे। तो कर दो दिखावा, अंदर से शिव बाबा को याद करते रहो। बोलते उसकी शूटिंग क्या होगी? यही शूटिंग होगी, हम उनके अंदर से बंधन में नहीं है। यहाँ तो अंदर का ज्ञान है या बाहर का ज्ञान है? दिखावे का है।
और आत्मा में सामना करने की शक्ति है तो मुकाबला करो, सामना करने की शक्ति नहीं है तो सहन करते रहो युक्ति से। और बाबा भक्ति मार्ग के अंश तो बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा चौड़ा भक्ति मार्ग तो कैसे कैसे। भक्ति मार्ग का पसारा है ही बहुत लंबा चौड़ा, इसमें नई बात क्या है? विस्तार ज्यादा अच्छा होता है या सार अच्छा होता है? बीज में टिकना अच्छा है या झाड़ में टिकना अच्छा है? बीज है ज्ञान और सारा झाड़ है विस्तार है अज्ञान। क्या करना चाहिए? बीज रूप स्टेज में टिकना माना ज्ञान और विस्तार में जाना माना अज्ञान। छोटी माँ के लिए कहते हैं कि वरों संबोनते रहो कुंवारी, लेकिन बाबा राधा को शादीशुदा दिखाते हैं। और कृष्ण भगवान की दृष्टि में वो सदा कुंवारी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बुद्धि में आ रहा है कि नहीं है? नहीं आ रहा है, है? एक ही साथ रहती है ना? एक ही साथ रहती है, माने शादी नहीं हुई? शादी हुई होगी लौकिक में, लेकिन ऐसे जैसे ही शादी हुई वैसे ही ज्ञान में आ गई। ज्ञान में आने के बाद फिर भी वो कुमारी रहती है, फिर भी विकारों के बंधन में नहीं बंधती है, इसलिए वो कुंवारी है। राधा की दृष्टि में, पार्वती की दृष्टि में शंकर कुंवारा है, और शंकर की दृष्टि में पार्वती कुंवारी है। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। समझने की बातें हैं। और बाबा बीके में वहाँ माउंट आबू में वो बाबा जब आए थे तो ड्रिल कराते हैं, 500 रूपों की ड्रिल करना है, 5 स्वरूप की ड्रिल करना चाहिए, 500 स्वरूप 5 स्वरूप की ड्रिल करना चाहिए, देवता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, परम धाम में जाना और ऐसा। ये मुरली में बताया है कि मनुष्यों ने बताया है? अरे बताया किसने है, एक बात का जवाब दो। गुलजार दादी के तन में बाबा आते हैं, वही ब्रह्मा बाबा जब आते हैं। तो उन्होंने बताया, वो करके बताया हुआ ड्रिल। क्या बताया? कि मैं फरिश्ता बन के उड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे ड्रिल करना चाहिए सबको। हाँ, तो बुद्धि की ड्रिल करो, मैं निराकारी हूँ, मैं साकारी हूँ, मैं आकारी हूँ, ये ड्रिल ही तो है। तो खराब क्या है इसमें बात? फरिश्ता जैसे, इसमें खराब बात क्या है? अच्छी बात है, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना पावरफुल आत्मा, पावरफुल है। प्रैक्टिस में धीमापन होगा इसका मतलब आत्मा पावरफुल नहीं बनी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि राधा को कुछ समय के लिए अहंकार आ जाता है कि मैं ही कृष्ण से सच्चा प्यार करती हूं, और वो सब ग्वालिनियों से ईर्ष्या करती है और कृष्ण के चारों तरफ लकीर खींच करके ज्वाला प्रकट कर देती है। कृष्ण के समझाने पर उसे सब ग्वालिनों में अपना ही रूप दिखाई देता है। तो बाबा यहाँ बेहद में छोटी मम्मी को कब और कैसे अहंकार आता है? अभी छोटी माँ अहंकार की स्टेज में है या ज्ञान की स्टेज में है? अभी भी अहंकार की स्टेज में है। उसकी बुद्धि में है क्या?
कि मेरे जैसा पार्ट पवित्र पार्ट और कोई नहीं बजा सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान है वो ज्ञानी आत्मा है, अभी भी श्रेष्ठ पार्ट बजाए रही है। ये बात दूसरी है कि लास्ट में जब वो ज्ञान में आ जाएगी तो फास्ट फास्ट चली जाएगी। बाबा ने बोला आगे चलकर तुम बच्चों की ऐसी स्टेज हो जाएगी जो तुम बच्चे बाप की याद में याद को भुलाना चाहो तो भी नहीं भूल सकेंगे। समस्या ये नहीं होगी कि बाप को याद कैसे करें, समस्या ये होगी कि बाप की याद भूले कैसे। लेकिन बाबा ने ये भी तो बोला है कि आगे चलकर इतना अकाल पड़ेगा जो खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। ये दुनिया वालों के लिए बोला है या बाबा के बच्चों के लिए बोला है? ये तो दुनिया वालों के लिए बोला है, जो बाबा के यज्ञ में सरेंडर हो करके अभी खिचड़ी नहीं खाना चाहते, जो अभी भी खिचड़ी खाने के लिए तैयार हैं और भविष्य में भी बाबा के घर में सादा लेने के लिए तैयार है, उनके लिए समस्या क्यों पैदा होगी? और बाबा आज बाबा मुर्गी ने बोला तुम बच्चों को 2-3 बार ज्ञान स्नान करना चाहिए। ठीक है, तो अब बाबा ने मुरली बोला कि तो आगे चल के बाप गुप्त हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मऊ काबू में तो बाप अभी गुप्त नहीं है क्या? तो बाबा 2-3 बार 2000 में बाबा ने तो बाप दादा ने नहीं बोला दुनिया वालों के लिए बाप गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, तो अभी नहीं गुप्त है फिर? हाँ, अभी ज्यादा है बच्चों के लिए प्रत्यक्ष है, आगे चल के बच्चों की संख्या कम होती जाएगी और बच्चे दुनिया भी ज्यादा बनते जाएंगे और ब्राह्मण बच्चे पक्के कम रह जाएंगे, ये हो सकता है। 2-3 बार जो बाकी बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो सब बच्चों के सामने बाप गुप्त हो जाए। बाबा अष्टदेव वाले के लिए बोला हुआ है 2-3 बार ज्ञान स्नान है, अष्टदेव के लिए बोला हुआ है तुम बच्चों को 2-3 बार मानसरोवर में ज्ञान स्नान करना चाहिए। चाहिए चाहिए का मतलब अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये नहीं कहा, चाहिए माने ऐसा स्टेज आएगी कि तुम बच्चे चाहिए की स्टेज में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? जब माउंट आबू में पहुंचेंगे दुनियादारी भूल जाएगी, दुनियादारी छूट ही जाएगी, तो एक बाप दूसरा ना कोई रह जाएगा, तो क्यों नहीं 2-3 बार स्नान करेंगे। बाबा शास्त्रों में बताया है बलराम को हल चलाते हुए दिखाते हैं, लेकिन बाबा महाभारत में इंद्रप्रस्थ बनाते समय भीम को भी हल चलाते दिखाया है, भीम को हल चलाते हुए दिखाया है, भीम को भी और बलराम को। हाँ, हल है क्या है? कृष्ण को और बलराम को दोनों को परसेंटेज में एक जैसा आत्माभिमानी कहेंगे, ये अंतर है। तो ऐसे ही पांडवों में भी युधिष्ठिर में और दूसरे पांडवों के बीच भीम में देह अभिमान की स्टेज में अंतर है या नहीं है? है? अंतर है, तो जिसमें देह अभिमान होगा उसमें काम विकार भी होगा, काम ही होगा तो हल भी चलाएगा। बलराम को हल चलाते हुए दिखाया है, बलराम की आत्मा कौन है? ब्रह्मा की सोल बलराम की आत्मा है, वो हल चलाती है। राम वाली आत्मा तो शास्त्रों में भी दिखाया है, कैसी स्टेज है? है एक शिव बाबा या दूसरा न कोई, या हल चलाने वाला है एक शिव बाबा दूसरा न कोई? मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाते हैं राम को, कृष्ण को तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं दिखाते हैं।
परंतु शास्त्रों में अगड़म बगड़म कर दिया है। सूला कला संपूर्ण दिखाई दिया है, फिर द्वापर में दिखाई दिया है। शास्त्रों में लिखा है द्वापर में 8 कलाएं होती हैं मनुष्यों की, फिर वहां 16 कला कहां से आ गई? मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही होते हैं, फिर त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम कहां से आ गए? और इसका मतलब भीम में अंधेरा भी मान था। अरे भीम ने 100 कीचकों का वध किया, भीम ने 100 कौरवों को मारा, भीम ने ढेर सारे राक्षसों को मारा। जैसे द्रौपदी का हरण, तो राक्षस राक्षसों को मारेगा या देवता राक्षसों को मारेंगे? राक्षस राक्षसों को मारेगा। उसी ने बोला था ना जब द्रौपदी का दुशासन ने हरण करने को बोला था, हाँ। तो उसी ने बोला मैं शात्नी का लहू लेकर तब तो तेरे केशों को लगाऊंगा तब। तो क्रोध है देह अभिमानी को आएगा या आत्माभिमानी को क्रोध आएगा? भीम में क्रोध था, वो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सका, और पांडवों ने अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि बड़े भाई बाप समान की श्रीमती मिली हुई थी। क्या कि मैं जुए में हार गया तो तुम उसका फॉलो करो? गुस्से में आकर के भीम ये बात भूल गया कि मुझे बड़े भाई का भी लाज रखनी है, तो उसने ऐसा बोल दिया। और काली शक्तियों का निर्माण इंसान करता है या भगवान? भगवान गोरा है या काला है? तो जो गोरा होगा वो गोरी शक्तियों का निर्माण करेगा, काला होता होगा तो काली शक्तियों का निर्माण करेगा। दूसरा प्रश्न है आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? आत्म की स्टेज में रहना माने आत्मा। और एटम से बना है आत्मा, जैसे एटम है ना, वो एटम है जड़, जड़ चीजों को सूक्ष्मते सूक्ष्म रूप दे दें तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म जो रूप होगा उसको क्या कहेंगे? अणु। अणु माने आत्मा। ऐसे ही ये आत्मा का रूप है, वो अणु से भी अणु है। अणु तो फिर भी स्थूल यंत्रों से पकड़ा जाता है, लेकिन आत्मा को स्थूल यंत्रों से भी नहीं पकड़ सकते, इसलिए एटम कहा गया है। एटम माने अणु। अंग्रेज लोग उसे एटम कहते हैं और हिंदुओं में उसे आत्मा कहते हैं। अति सूक्ष्म रूप माने अणु। अणोअणियां समस्मरेत्य है, वो क्या है? अणु से भी अणुरूप है आत्मा। आत्मा का बाप परमात्मा भी, वो भी अणु से भी अणु है। अंग्रेजी में उसको एटम कहते हैं, हिंदी में उसको आत्मा कहते हैं। और बाबा अभी तो नहीं बोला है बीजे माला का आह्वान करो, तो वो विशेष किसी एक आत्मा के लिए बोला है या सभी परिवार के लिए बोला हुआ है? अब जितनी तुम याद करेंगे
उतने उधर से निकलेंगे। विजय माला में एक ही मणका है या अनेक मणके हैं? हैं? अनेक मणके हैं। जितनी तुम्हारी याद की पावर होगी उतना रिजल्ट आता रहेगा। अभी भी ब्रह्मा कुमारियां एडवांस में सरेंडर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हो रही है। तो जितना तुम्हारा आकर्षण का रूप है उतना उतना रिजल्ट आ रहा है। वो बाबा रानी मक्खी के लिए बोला है, रानी मक्खी को पकड़ के लाओ तो है? वो रानी मक्खी के लिए बोला है। क्या रानी मक्खी? विजय माला रानी मक्खी थोड़ी ही है। विजय माला की हेड है रानी मक्खी। हाँ हाँ, विजय माला का आवाहन करो का मतलब क्या हुआ कि जो भी हैं चंद्रवंश में जिनके द्वारा राजधानी स्थापन होनी है वो सबका आवाहन हो। हाँ, एक तरीका ये है कि अगर रानी मक्खी को आवाहन कर लिया तो उसके पीछे पीछे सभी आ जाएंगे। वो बाबा किसी एक पर्सनालिटी के लिए बोला हुआ है, सभी परिवार के लिए बोला हुआ? बोला तो पूरी विजय माला के लिए है, लेकिन तरीका ये बताया कि पूरी विजय माला का आवाहन करना है तो एक में ही कॉन्सेंट्रेशन कर दो ना, तो पूरी भी आ जाएगी। नहीं तो ऐसा होता है जो शहद की मक्खियां होती है ना, उनमें दो प्रकार की होती हैं। एक बड़ी मक्खी होती है, शहद की मक्खियों में एक बड़ी मक्खी होती है, बड़ी मक्खियों का झाड़, और एक छोटी मक्खियों का झाड़। जो छोटी मक्खियों का झाड़ है वो मक्खियां ही छोटी छोटी होती हैं, माने कम पावर की हैं, और जो बड़ी मक्खियों वाली हैं वो ज्यादा पावर की हैं। तो कौन सी छोटी मक्खियां हैं, कौन सी बड़ी मक्खियां हैं? बेहद की भाषा में रुद्रमाला में है बड़ी मक्खियां और विजयमाला में है छोटी मक्खियां। शहद किसका गुणदायक होता है? छोटी मक्खियों का शहद गुणदायक होता है। छोटी मक्खियों का शहद अगर आंख में लगाएंगे तो आंखें पावरफुल होती जाएंगी, रोशनी बढ़ेगी। बड़ी मक्खियों की शहद में ये गुण नहीं होता है, वो हर प्रकार की है। छोटी मक्खी बड़ी मक्खियों के झुंड में चली जावे तो वहां पनप सकेगी या चों चों करते रहेंगे? हाँ, बड़ी मक्खियां चों चों करती रहेंगी। ऐसे ही बड़ी मक्खी अगर छोटी मक्खियों के झुंड में जाके रह जावे तो भी क्या होगा? तो भी वो तंग करती रहेगी। और बाबा ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का सुनाया था, मुझे पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। ये चित्र है ना त्रिमूर्ति का, क्या ब्रह्मा बाबा राइट हैंड में और शंकर? ठीक है, बच्चा कौन है, बच्चा बुद्धि कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो राइटियस है या लेफ्टिस्ट है? राइटियस क्यों है ब्रह्मा बाबा? बच्चा सतो प्रधान होता है या बड़ा सतो प्रधान होता है? कौन सतो प्रधान होता है? सतो प्रधान को राइटियस कहेंगे या जो बीच बीच में तमो प्रधान बनता हो उसको भी राइटियस कहेंगे? है बच्चे को, सतो प्रधान को राइटियस कहेंगे। तो ब्रह्मा की सोल है राइटियस, और उस लिस्ट में जितनी भी आने वाली माताएं हैं, चाहे वो माताएं रुद्रमाला में हो चाहे वो माताएं विजयमाला हो, जितनी भी कन्याएं माताएं हैं वो सब राइटियस हैं, और जितने भी गोप हैं वो सब लेफ्टिस्ट हैं। और क्यों नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आया।
ओम शांति।